मैं शुक्रिया करता हूँ जम्मू एसोसिएशन का और यहाँ के यू नो जो लोग हैं जो यहाँ पर टेक केयर करते हैं, अरुण जी का और अपने नाम भूल रहा हूँ बट हाँ वो तो उनने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे ट्रायल करने का। मैं एक सुदेवा दिल्ली फुटबॉल क्लब है, दिल्ली में रेजिडेंशियल एकेडमी भी है, उसका मैं प्रेसिडेंट और ओनर हूँ और पूरे इंडिया घूमता हूँ ट्रायल्स करने के लिए। और जम्मू मैं पहली बार आ रहा हूँ ट्रायल्स करने के लिए और यहाँ पे हर एज कैटेगरी के बच्चों को मैं चांस दे रहा हूँ देखने का, स्टार्टिंग फ्रॉम अंडर 13, 15, 17, 19, 21 और गर्ल्स को भी। और स्पेशल जो बच्चे अच्छे लगेंगे मुझे उनको मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा दिल्ली में रेजिडेंशियल एकेडमी में ज्वाइन करने का, और वहाँ से अगर ज्वाइन करते हैं उसके बाद वो आगे जाके स्टेट्स खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं और काफ़ी बच्चे मेरे अकेडमी के इंडिया भी खेल रहे हैं। तो आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिर्फ जम्मू की नहीं पूरे जम्मू कश्मीर की, जितने आधे बच्चे आएंगे उतना एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके थ्रू बच्चे आइडेंटिफाई होते हैं और आइडेंटिफाई होने का सिलेक्ट होते हैं और फिर वो आगे चल के नाम रोशन करते हैं अपने। ऐसे लगभग कितने बच्चे यहाँ से सिलेक्ट कर लिए? अभी मेरे को जो बताया गया है वो अराउंड 200 से ज़्यादा बच्चे आए हैं ट्रायल में और उसके अंदर से मुझे लगता है कि कम से कम 15 बच्चे तो सिलेक्ट होंगे। सर जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, फॉरवर्ड सेक्टर में उनका आगे क्या रहेगा? तो बेसिकली अब जैसे वो सिलेक्ट होते हैं तो मेरी टीम उनको कॉल करती है, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उनको भेजना है, तो वहाँ पे जैसे ही होता है उनको स्कूल में एडमिशन दिया जाता है और फिर वहाँ पे उनको अकोमोडेशन, प्रॉपर मील प्लान और दिन में दो बार ट्रेनिंग होती है और वहीं पर रहते हैं। पूरे 30 स्टेटों के बच्चे हैं मेरे सुदेवा के अंदर और वहाँ पर फिर 40 से 50 गेम साल में हर बच्चे को मिलते हैं, स्टेट लेवल के मिलते हैं, नेशनल लेवल के मिलते हैं और जो बच्चे वो जो टीम्स में सिलेक्ट होते रहते हैं वो फिर वो कोई इंडिया के लिए खेल रहा है उनको वहाँ पे मैचेस मिलते हैं। तो जब सुदेवा में सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद पूरा इंडिया उन बच्चों को नेशनल लेवल पे देखने लग जाता है। फिर क्या मैसेज रहेगा जम्मू के आपका? मैं बस ये मैसेज ये रहेगा कि मैं बड़ा खुश हूँ कि अंडर 13 में इतने बच्चे आए हैं खेलने के लिए, जिससे पता लगता है कि ग्रास रूट पर काम हो रहा है जम्मू में और यहाँ के लोगों को मैं चाहूँगा कि और कॉम्पिटिशन कराया जाए और जितना मेरे तरफ से सपोर्ट मिलेगा स्पेशली लोअर एज कैटेगरी में विच इज़ अंडर 10, अंडर 12, अंडर 13 में, उसके अंदर मैं भी अपना योगदान दूंगा और बस खेलते रहें। आई एम वेरी श्योर कि इनमें से 2-3 बच्चों को तो मैं नेशनल लेवल पे लेकर जाऊंगा यहाँ से।